सर्व समाज सेवा संस्थान के तत्वावधान में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाया गया, जिसके तहत एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में संस्था के सदस्यों द्वारा शास्त्री चौक पर ठेला वालों तथा राहगीरों को कपड़े का झोला वितरण किया गया। साथ ही उन्हें प्लास्टिक का उपयोग न करने की सख्त हिदायत भी दी गई और प्लास्टिक से होने वाले भयावह परिस्थिति के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। इस संबंध में गौरवपुन्नी से बात करते हुए संस्था के अध्यक्ष धीरज गुप्ता तथा एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, हम लोग पार्किंग ना रखे हैं, पार्किंग का नुकसान होगा, जो आपके पास सभी लेना उसके लिए झोला लेके आप पार्किंग नहीं देंगे, वो झोला लेके कैरी बैग चलिए प्लास्टिक बंद करिए। धीरज गुप्ता, मैं प्रबंधक हूँ सर्व सेवा संस्थान का। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जन जागरण अभियान है, जिसके अंदर आज एडीएम सिटी के साहब के थ्रू हम लोग झोला वितरण का काम कर रहे हैं और लोगों में ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि ये झोला आप साथ लेके चलें और प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्लास्टिक से हमारे पर्यावरण, मानव जीवन और पशुओं और गंदगी सबसे कुछ मेरे प्लास्टिक से ही फैल रही है। समाज सेवा संस्थान की तरफ से 5000 झोले तैयार करके उनका वितरण जनता में किया जा रहा है, ताकि वो पॉलीथीन के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दें और उसका किसी भी स्थिति में प्रयोग ना करें, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और जनता की जागरूकता के लिए कि पॉलीथीन एक जहरीला पदार्थ है, इसको समाप्त करने के लिए उनमें एक इच्छा शक्ति जगाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। क्या करेंगे लोगों से जो हाँ वो पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें और इन झोलों का या कपड़े से बने या जूट से बने या केले के रेशे से बने हुए झोलों का प्रयोग करें, कागज़ के बने हुए लिफाफों और बैग्स का प्रयोग करें और पॉलीथीन को एकदम यूज़ ना करें।